दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है? तो वो कीमती चीज़ है समय। समय हमें बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, और एक बार समय हाथ से निकल गया तो वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। और जो लोग इस समय का सदुपयोग नहीं करते, वे सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं कर सकते। समय सभी को बराबर मिलता है। हम यह नहीं कह सकते कि नहीं, मुझे एक सक्सेसफुल व्यक्ति से कम टाइम मिला है। बस फर्क है तो सिर्फ सोचने का नज़रिया। एक कामयाब व्यक्ति और नाकामयाब व्यक्ति में सबसे बड़ा फर्क यही है, इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम। वो अपने टाइम और टारगेट पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि इसके अलावा वो सब कुछ भूल जाते हैं। लोग अपना वक्त प्यार मोहब्बत में मूवी, टीवी, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और ना जाने ऐसी ही कितनी फालतू की चीज़ों पर अपना समय बर्बाद कर देते हैं। ये सब चीज़ें गलत नहीं हैं, लेकिन हद से ज़्यादा इन सब में लगे रहना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इनका इस्तेमाल हमें सीमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे चोर हैं जो हमारे कीमती वक्त को चुरा रहे हैं। इसलिए इन पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग व्यर्थ के कामों में समय को बर्बाद कर देते हैं, समय उनके जीवन को अपने इच्छानुसार बदल देता है। इसलिए आप इन 24 घंटे यानी 86,400 सेकेंड का ऐसे उपयोग करें जैसे एक गरीब मजदूर अपने मेहनत से कमाए हुए रुपयों का उपयोग सोच समझ कर करता है। क्योंकि आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा या इसी बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। पर उस समय दुख की बात यह होगी कि तब तक आप उसे खो चुके होंगे, और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं लाया जा सकता। हमारे जीवन के एक सेकंड की कीमत इतनी ज़्यादा है कि दुनिया का अमीर से अमीर आदमी अपनी सारी दौलत बेचकर भी उसे नहीं खरीद सकता। तो अब मुद्दे की बात यह है कि बर्बाद हो रहे टाइम को कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या पर नज़र रखो कि आपका वक्त कहाँ बर्बाद हो रहा है। जितना हो सके प्यार मोहब्बत से दूर रहें, क्योंकि आप माने या ना माने, दुनिया के लाखों लोग इसी वजह से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरों को भी फालतू के बातों में उलझा कर उनका भी समय नष्ट करते हैं। इसलिए ऐसे गप्पू लोगों से दूर ही रहें। आज का काम कल के लिए न टालें और बहानेबाजी से बचें। बेहतर यही रहेगा कि सोने से पहले कल के कामों को नोटबुक में लिख लें, ज़रूरी कामों को अलग लिखें और गैर ज़रूरी कामों को अलग लिखें। अपनी दिनचर्या के हिसाब से समय का प्रबंधन करें, जैसे 5 बजे जागना, 6 से 7 बजे तक व्यायाम करना। ऐसे ही अपने दिन भर के कामों की टाइमिंग सेट कर लें। किसी काम को करते वक्त खुद से एक सवाल पूछें कि इस काम को करने से मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या यह काम मेरे लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित हो सकता है। और सपने देखना बंद करो, मेहनत करना शुरू कर दो। मिलते हैं कुछ नए विचारों के साथ, तब तक जय हिंद।